तेरा बाप आ गया, देख तेरा बाप आ गया, देख तेरा बाप। दोस्तों आज मैं कुछ इस प्रकार के वीडियो को बना के दिखाने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रकार के लाइन वाले नेमार्ड वीडियो को बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है, आपका डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए हम काइनमास्टर का यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको ये क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको दबा देना है और 16:9 का रेशियो लेकर इसे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको इमेज में जाना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है, जिसका लेंथ आप जितने समय का वीडियो बनाना चाहते हैं उतने समय का कर सकते हैं। कुछ इतने समय का मैं कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ PNG और वीडियो का लिंक दूंगा, सिंपली आपको जाना है उनको डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आना है। डाउनलोड करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो मेक श्योर आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों उसमें टेलीग्राम चैनल पे मैं अलग अलग तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाए। तो मैं पहले PNG को लेके आता हूँ। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और पहले PNG को लेके आना है। तो देखिए ये हमारा पहला PNG है, ये इसे वीडियो के अनुसार खींच के बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इसे छोटा कर लेना है और इसे यहाँ पे रखना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रखना है। और इसके बाद बाईं तरफ 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद देखिए ये कैंची है, उसके बाद रेक्टेंगल बॉक्स है, उसके बाद देखिए ये तिरछा बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है थर्ड वाले बॉक्स पर। और ये जो एरो पहला वाला एरो ट्रायंगल है, इस पर क्लिक कर देना है तो इधर ये घूम जाएगा और इसे खींच के इस साइड में हमें लेके चले आना है। और यहाँ पे हमें बराबर में रख देना है इसे कुछ इस तरीके से, बराबर में रख लेना है, मैच कर लेना है कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद दोस्तों अब हमें अपने नाम को यहाँ पर लिख लेना है। इसके लिए लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने अपना नाम लिखा था तो मैं वहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रख देता हूँ। और देखिए दाहिनी तरफ डबल एक ऑप्शन है, इसमें फ़ॉन्ट को मैं बदल लेता हूँ। डिस्प्ले में जाता हूँ, आप कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। देखिए ऊपर स्टोर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा हो गया फ़ॉन्ट। अब दोस्तों इसमें कलर वाले वीडियो को ऐड कर देना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस कलर वाले वीडियो को लेके चले आना है। तो ये हमारा कलर वाला वीडियो है, इसे सिंपली फुल स्क्रीन कर लेना है। और दाहिनी तरफ देखिए आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब दोस्तों अब हमें एक वीडियो को यहाँ पे लेके आना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा वो वीडियो है कुछ इस तरीके से, ये वीडियो है, इसे सिंपली दाहिनी तरफ जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है। तो कुछ इस तरीके से मैच कर जाएगा। सिंपली इसे लेयर पर क्लिक करना है, इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। दाहिनी तरफ जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद हमें नाम वाले लेयर पर क्लिक करना है, इसे छोटा कर लेना है थोड़ा और इसको यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से रख लेना है। इस टेक्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में जाना है और हमें ये कवरेज वाला जो ये इफेक्ट है, इसे कवरेज वाला जो एनिमेशन है इसे कर लेना है और इसे स्पीड को यहाँ पे हमें 3 कर देना है कुछ इस तरीके से, हमें करना है 3। देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से हमारा ये रहेगा, कुछ इस तरीके से हमारा ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमें लेयर में जाना है, स्टिकर में जाना है और फॉग वाले इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिस्टीरियस फॉग है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो मैं ये वाला फॉग ले लेता हूँ और इसे थोड़ा बड़ा करके नीचे यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस वीडियो के अनुसार खींच के बड़ा कर देना है कुछ इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमें साउंड को सुनना है और जहाँ पे बीट हो रहा है वहाँ पे हमें जाना है। बीट जहाँ पे हमारे साउंड का बीट है वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे ये कर्सर को रखना है। फिर से लेयर में जाना है, फिर स्टिकर में जाना है और आपको एक और इफेक्ट को डाउनलोड करना है। ये जो स्टोर का ऑप्शन से ये देखिए सैटर्ड ये वाला इफेक्ट डाउनलोड करना है और ये जो कांच टूट रहा है ये वाला इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है और इसे सिंपली वीडियो के अनुसार खींच के बड़ा कर देना है। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से अब आसानी से
बना सकते हैं। इसके साउंड के बीट को आप मैच कर लीजिएगा, सुन के इसे आप मैच कर लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से रहेगा जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस सेव और शेयर करने के लिए ये दाहिनी तरफ एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और अपने फाइल के साइज़ को चुनकर सिंपली इसे सेव कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।